एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देर के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफर से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफर का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए को। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की सबसे पहले खोज जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। इनके अनुसार डीएनए डबल हेलिक्स होता है जो एक कॉमन एक्सिस पे राउंड होता है, कॉइल जैसा घुमा होता है, ठीक। और जो लेफ्ट, इन्होंने जो डीएनए की खोजा था, डीएनए जो स्ट्रक्चर इन्होंने निकाला था, वो राइट और लेफ्ट हैंडेड दोनों होता है। यानी बहुत से डीएनए होते हैं जो राइट हैंडेड होते हैं और कुछ डीएनए होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। डीएनए के भी प्रकार होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि डीएनए के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न क्रिक ने जिस डीएनए मॉडल की बात की है वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए था। और इसको इनके पूरे स्ट्रक्चर को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया वेस्टर्न क्रिक मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी इसका नाम पेंटोस शुगर होने के कारण होता है। वेटसन और क्रिक ने जिस डीएनए की खोज की थी वो बी डीएनए था। बी डीएनए फॉर्म की स्ट्रक्चर की उन्होंने देखा था, ये होता है राइट हैंडेड, ठीक। और जो जेड डीएनए होता है, डीएनए वैसे होते हैं चार प्रकार के होते हैं, लेकिन जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। तो यहाँ पे हम उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ केवल बात करेंगे बी डीएनए के बारे में। बी डीएनए राइट हैंडेड होता है और ये किस इसके स्ट्रक्चर को इसने क्या नाम दिया गया, वेटसन क्रिक मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर जो इनके अनुसार था उसको हिसाब से देखा जाए तो समझ लो ये कॉमन एक्सिस है। इस कॉमन एक्सिस पे ये डीएनए का स्ट्रैंड राउंड हो रहा है। ये देखिए, ये ऐसे राउंड रहते हैं, राउंड दिख रहा है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हैं जो एक कॉमन एक्सिस पे राउंड होते हैं, लेकिन ये एक्सिस दिखती नहीं है। ये मानते हैं कि कॉमन एक्सिस है जिस पे डीएनए का स्ट्रैंड राउंड होता है, कॉइल रुमा घुमा होता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये नाइट्रोजिनस बेस है जो हाइड्रोजन बाउंड से लिंक होता है। इन्होंने जैसा डीएनए बताया उन्होंने कहा कि दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैलर होते हैं। या अपोजिट होते हैं, ठीक। यानी कि अगर इसका हेड टॉप पे है तो इस ये वाले स्ट्रैंड का हेड बॉटम में होगा, इसलिए ये 5 स्ट्रैंड होता है और ये नीचे इसका 3 होता है। और ये अगर 3-5 है तो जस्ट का अपोजिट जो होगा वो 3 होगा और नीचे वाला 5 होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। सो ठीक, डीएनए की चौड़ाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और जो इसका एक ये जो छोटा सा होता है ग्रोव होता है, जो छोटा सा मोड़ होता है उसको हम माइनर ग्रोव कहते हैं। और जो ज़्यादा ग्रोव वाला होता है उसको हम मेजर ग्रोव कहते हैं, ठीक। नहीं, जिसमें ज़्यादा गहरा होता है, जो ज़्यादा गड्ढेदार होता है उसको मेजर ग्रोव, और जो कम होता है वो माइनर ग्रोव होता है। मेजर ग्रोव और माइनर ग्रोव ये दोनों मिलके, यानी दो माइनर ग्रोव और एक मेजर ग्रोव मिलके वन पिच बनाता है, वन पिच या वन टर्न। ये 360 डिग्री का होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम की, ठीक। और इसमें जो पर्न 10 बेस पेयर होते हैं पर टर्न में।
यानी इतने जो हिस्सा है इसमें 10 बेस पेयर होंगे और इन बेस पेयरों की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक, 360 डिग्री का घुमा हुआ होता है, यानी इसको हम खोलेंगे तो एक गोला सर्कल बन जाएगा और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। हर टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं और इस तो ये था तो जो स्ट्रक्चर था जिसकी खोज वॉटसन एंड क्रिक ने इस तरह के मॉडल की खोज की थी। इनके अनुसार इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये जो टर्न होता है वो दो माइनर और एक मेजर ग्रुप से मिलकर बनता है और बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है, इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है और पर टर्न में जो मतलब एक गोला जो होता है उसमें 10 बेस पेयर आते हैं। अगर हम इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर देखें डीएनए का तो ये और डीपली अंडरस्टैंड होगा। आइए चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स वाला। ये है इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, अगर ये स्ट्रैंड ऐसे दिख रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट ये है। ये जो स्ट्रैंड रेड कलर का दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ये भी है, न्यूक्लियोटाइड ये भी है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ऐसे है तो ये ऐसे है, जस्ट अपोजिट, एंटी पैरेलल। ठीक, और ये जो है ये नाइट्रोजन बेस है। हाँ, नाइट्रोजन बेस आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो नाइट्रोजन बेस रूल से होते हैं। नाइट्रोजन बेस रूल क्या है? नाइट्रोजन बेस रूल वॉटसन एंड क्रिक के अनुसार होता है कि एडेनाइन और थायमाइन कनेक्ट होते हैं डबल हाइड्रोजन बाउंड से और ग्वानाइन और साइटोसाइन कनेक्ट होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बाउंड से, लेकिन आरएनए में यही ना कनेक्ट होके जो ए होता है वो यूरेसिल से कनेक्ट होता है। ठीक, ये है नाइट्रोजन बेस पेयर रूल। उसी के अनुसार अगर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो एडेनाइन और थायमाइन के बीच में डबल हाइड्रोजन बाउंड, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बाउंड और ए और टी के बीच में फिर डबल हाइड्रोजन बाउंड। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसमें जो स्टैंड में दिखता है कि अपर 5 to 3, 3 to 5 स्टैंड होता है, इसका रीज़न है कि जो पेंटोज शुगर है ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी जो हमने ऊपर का हिस्सा छूटा हुआ है वो 5 है, यहीं से आके अलग बिल्डिंग ब्लॉक जो होगा नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक वो आके कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास हम लोग ने अटेंड की थी उसमें ये बताया गया था कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बनता है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक जो कनेक्ट होगा वो 5 एंड छोड़ रहा है और जो नीचे है वो 3 एंड पे है। देखिए 1, 2, 3 एंड आया ना, नीचे इसके 3 एंड आ रहा है, तो इसके स्ट्रैंड का नाम क्या होगा? 5 to 3 स्ट्रैंड। और इसी तरह जस्ट इस अपोजिट का देखें तो यहाँ पे नीचे 5 छूट रहा है और ऊपर 3 छूट रहा है, तो इसका जो स्ट्रैंड होगा वो 3 to 5 स्ट्रैंड होगा। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन का स्ट्रैंड हो गया। ये क्या है? बैकबोन है। जो आउटर साइड होती है हमेशा और नाइट्रोजिनस बेस हमेशा इनर साइड होता है, यही मिल के पूरी एक चेन बनती है और जो राउंड होके एक कॉमन एक्सिस पे घूमी रहती है। ठीक है, एक बात और, ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक जिससे कनेक्ट होते हैं वो होता है 3 to 5 फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज, यानी जो लिंकेज होती है वो फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज होती है। क्यों? क्योंकि ये डाइस्टर ग्रुप बना रही है, देखिए ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, ये डाइस्टर बाउंड है। और 3 to 5 क्यों है? क्योंकि 3 स्ट्रैंड और ये 5 स्ट्रैंड जो लास्ट इसका काउंटिंग है, ये 5 और 3 आपस में कनेक्ट होकर डाई फॉस्फोस्टर बना रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं 3-फॉस्फो-डाइस्टर लिंकेज। ठीक, तो क्या इसमें मेन बात है कि एडेनाइन थायमाइन दो हाइड्रोजन बाउंड से कनेक्ट होता है, ग्वानिन साइटोसाइन 3 हाइड्रोजन बाउंड से कनेक्ट होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा कह सकते हैं या ज़्यादा अट्रैक्टिव जुड़ा होता है और इसको अलग करने के लिए फोर्स चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होता है। ठीक, ये रेड मार्क से बना हुआ है, ये अपना बैकबोन है जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है, दो बिल्डिंग ब्लॉक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्ट होते हैं।
ठीक। और जो नाइट्रोजीनस बेस नाइट्रोजीनस बेस पेंटोज शुगर की फर्स्ट पोजीशन पर अटैच होता है और फॉस्फेट ग्रुप 5 पोजीशन पर अटैच होता है। नाइट्रोजीनस बेस रूल के अनुसार ही नाइट्रोजीनस बेस आपस में कनेक्ट होते हैं। ये होल स्ट्रक्चर है डीएनए का, डीएनए का इतना स्ट्रक्चर। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, डीएनए एंटीपैरल होता है, ये याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है डीएनए कैसा होता है। डीएनए एंटीपैरल होता है। वेटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए मॉडल की खोज की थी वो बी फॉर्म था, जो कि राइट हैंडेड डीएनए था, ठीक। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या डिफरेंट होता है कि उनको इस प्रकार में बांट दिया गया, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर सेम ही है लेकिन उसको डिवाइड क्यों किया गया, ए डीएनए बी डीएनए क्यों बनाया गया, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।